अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपके अपने चैनल अल केमिस्ट में आपका केमिस्ट सजाद अहमद हाजिर खिदमत है 1000 प्रैक्टिकल आइडियाज़ वीडियो सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं, वो है ड्रेन ओपनर, लेकिन पाउडर्ड, लिक्विड में नहीं, पाउडर्ड ड्रेन ओपनर। के पाउडर ड्रेन ओपनर में ये फ़ायदा होता है कि लिक्विड को नॉर्मली हम किसी ड्रेन में डालते हैं तो वो बे के आगे को चला जाता है, और पाउडर्ड में ये है कि जहाँ चोकिंग है कम से कम वहाँ ये रिएक्शन करके आहिस्ता आहिस्ता अपनी चोकिंग को खोल के उस पाइप को आगे ट्रेवल करता जाएगा, और थोड़े टाइम के बाद अगर हम इसके अंदर हल्का सा पानी दे दें तो ये ट्रेवल आगे करेगा, और जब हम महसूस करें कि वो तकरीबन ड्रेन को काफ़ी हद तक उसने चीज़ों को जो उसने चोकिंग है डिज़ाल्व कर लिया, तो फिर हम इनफ क्वांटिटी पानी की फ़्लश करके उसको साफ़ कर सकते हैं। तो पाउडर्ड एक फॉर्मूलेशन के साथ, बहुत सिंपल फॉर्मूलेशन, सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट उसके अंदर हमने ऐड करने हैं। सबसे पहले 40 ग्राम जो है वो कास्टिक फ्लेक्स हमने इसमें डालने हैं, और सिंपल इनकी मिक्सिंग है, और ये कास्टिक फ्लेक्स 40 ग्राम, ये 40 ग्राम हमारा कास्टिक फ्लेक्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, हाउस होल्ड चीज़, घर के अंदर बेकिंग सोडा मौजूद है, तो ये भी 40 ग्राम इक्वल क्वांटिटी हमने ये भी डाल लेनी है। ये इसको टेयर कर लिया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको कम कर लेते हैं, दैट्स ओके। इन दोनों को थॉरली आपस में हमने मिक्स कर देना है, और सिंपल मिक्सिंग, और अब इसके अंदर हमने 20 ग्राम सिट्रिक एसिड डाल देना है बस, जस्ट, और ये हमारी फॉर्मूलेशन तैयार हो जाएगी। किसी भी ड्रेन पे इसको अप्लाई करें और बहुत अच्छी ड्रेन ओपनिंग होगी इससे, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, कास्टिक है इसके अंदर और बेकिंग सोडा है, लाजमी बात है कि जितनी भी ये चीज़ें फिर उसके साथ हम सिट्रिक एसिड लगा रहे हैं तो इनका वहाँ एसिड बेसिक रिएक्शन और अच्छी खासी हीट उसके अंदर से निकलती है, और ये हम अब इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट 20 ग्राम ये 20 ग्राम ये सिंपल, और इसको साशे बना के भी घर में रखे जा सकते हैं, और अगर इसको कमर्शियल लेवल पे हम प्रमोट करना चाह रहे हैं तो हमने तो भी चूँकि एक डेमोंस्ट्रेशन आपको सिंपल दी, इसके लिए छोटा मिक्सर जैसे रिबन मिक्सर होते हैं सर्फ वगैरह वाशिंग पाउडर बनाने वाले, अगर बड़े लेवल पे किसी ने किसी भाई ने काम करना है तो वो इस तरीके से कर सकते हैं, और इसको आप साशे की पैक में इसको प्रमोट कर सकते हैं, और जितने लम्स हैं इसको जितना हम यूनिफॉर्म इसकी मिक्सिंग करेंगे तो इसके लम्स, इसके डिलियाँ जो हैं वो सारी की सारी ब्रेक हो जाएं, और साशे में इसको पैक करें, और बहुत अच्छा, और अभी चूंकि आजकल जैसे बारिश का मौसम है कराची में, इसको कि जैसे बारिश हो रही है तो ये हाईली हाइग्रोस्कोपिक, इसने मॉइस्चर अभी ले लिया, तो इसको ये है कि जैसे ही हम इसको बनाएँ और मॉइस्चर से बचाते हुए इसको हम पैक कर लें, उसमें इस वक्त इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो रहा है, इसी वक्त इसकी हीट महसूस हो रही है, और अपनी पैकिंग के साथ एक छोटे से आइडिया में डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए करना चाहें, कमर्शियल लेवल पे करना चाहें, और बिल्कुल बेहतरीन फॉर्मूलेशन, प्रैक्टिकल फॉर्मूलेशन, तब तक के लिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह किसी आइडिया बिज़नेस के साथ भी इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, और अब बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।